वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल सो इजी मैथ। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रिवीजन पेपर 3rd ऑफ क्लास 10th। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिते गए गुणनखंड रूप विच अज्ञात संख्या पता करो। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन फैक्टर ट्री। ठीक है जी, देखो ये दे विच है 5 × 2 किस चीज़ के फैक्टर ने जी, 10 दे। ठीक है, ताई 10 × 7 कि फैक्टर ने 70 दे। इट इज मिसिंग नंबर की आ गया जी अपने को 10। ठीक है जी, सो आवर आंसर इज सी। नैक्सट, जेकर दो संख्यावान का मम्मा सस्सा वाहवा 2 लल्ला सस्सा वाहवा 60 होवे अते एक संख्या 20 होवे तो दूसरी संख्या की होवेगी। इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 2 एंड 60 रिस्पैक्टिवली एंड 1 नंबर इज 20, फाइंड द अदर नंबर। अपने को फार्मूला होंगे बेटा जी, फर्स्ट नंबर इंटू सैकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है जी, अपन फर्स्ट नंबर देता, दूसरा नंबर अपने फाइंड आउट करना है। तो सैकेंड नंबर कि बन गया जी अपने को एच सी एफ इंटू एल सी एम डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, एच सी एफ कि देखो अपने को 2, एल सी एम कि अपने को 60 तो फर्स्ट नंबर कि अपने को 20। दिस वन कैंसल आउट, 2 × 2 बेटा कैंसल आउट हो गया तो कि आंसर आ गया अपने को 6। ठीक है जी, इट मीनस सैकेंड नंबर आ जोड़ा दूसरा नंबर आ वह कि आ गया अपने को 6। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट वन, बिना लंबी वंड प्रक्रिया करद्या दसो कि परमेय संख्या जी हैगी 29/343 का दशमलव प्रसार किस तरह है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लोंग डिवीजन स्टेट विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डज 29/343 है। देखो बेटा, जो डिनोमीनेटर आ हर आदि आप बनावे पहला जी फैक्टर। ठीक है, 343 दी अपने को 29/ फैक्टर की बन गए 7 × 7 × 7। डिनोमीनेटर के जो अपने को 2n × 5n के रूप में प्राइम फैक्टर्स हो बेटा फिर तो की होगा टर्मीनेटिंग। पर देखो डिनोमीनेट के 2 और 5 तो बिना बाकी नंबर्स ने 7। ठीक है, अपन या तो ओनली 2 चाहिए जा ओनली 5 या 2 और 5 बोथ। ठीक है, इन दोनों तो बिना जे इन्हों के नाल भी कोई होर नंबर आ जाते हैं तो की बन जाता है, नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अपना आंसर कि आ गया बेटा जी ए ऑप्शन। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट वन, पाई एक डैश संख्या है। पाई की है बेटा, इज अ डैश नंबर, इरैशनल। ठीक है जी, अपरिमेय। नैक्सट वन, एक गैर सिफर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़फल हुंदा है। सम ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं एक रैशनल नंबर लैनी हाँ, रैशनल नंबर तुसी ले लो चलो 3। ठीक है, तो एक मैं इरैशनल नंबर लैनी हाँ, इरैशनल नंबर मैंने ले लिया बेटा जी √3। जो दोनों सम करांगे आपां ते की बन गया अपने कोल एक इरैशनल नंबर। ठीक है जी, तो की बन गया बेटा अपने को एक इरैशनल नंबर। तुसी होर भी कई एग्जाम्पल ले सकते हो, जिमें 2+ एक रैशनल ले लो, एक इरैशनल ले लो, तो दोनों जोड़ की होंगे बेटा जी अपने को एक इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्लीयर हो गया बेटा, तो अपना आंसर की आ गया बी ऑप्शन। नैक्सट वन, एक बहुप किसी बहुपद पी एक्स के दिते आलेख तो सिफरां की गिनती पता करो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इन द गिवन ग्राफ। देखो बेटा, ग्राफ के जिहड़े जीरोज ने वो की होंदिया ने, जिन्ने पी एक्स या जीरोज मतलब ग्राफ एक्स एक्स नूं किन्ने पॉइंट से कट करता, जो फस्ट पॉइंट एंड सैकेंड पॉइंट 2 पॉइंट से कट करता। इट मीनस ए नंबर ऑफ जीरोज़ किनिया होंगे अपने कोल 2। ठीक है जी। नैक्सट, जेकर एक 2 घाती बहुपद के सिफरों का जोड़ -7। ठीक है, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कि अपने कोल -7।
एस हैगा अपने को माइनस सैवन, सिफरां का गुणफल मीनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी कि अपने को ट्वेल्व। आपने पोलिनोमियल बेटा जी तैयार करनी है कि फार्मूला होंगे अपने को के के इज एनी कॉन्सटेंट एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी ठीक है जी वैल्यूज पुट कर दो इज इक्वल टू के एक्स स्क्र सम कि अपने को माइनस दे सैवन एक्स प्लस पी प्रोडक्ट कि अपने को ट्वेल्व। देखो बेटा जो बटिया कोई नंबर नहीं आया कोई नंबर नहीं है तो तुम के दी वैल्यू की पुट करोगे वन। जे मान लो पूरे नंबर दे बटिया दे विच कितना होंदा कोई भी वैल्यू होंदी मतलब फोर होंदा जा थ्री होंदा ठीक है तो तुसी ओही नंबर तुसी के दी वैल्यू पुट कर सकते हो ठीक है जी। हुण देखो आपां के लवांगे वन अपने को आ गया वन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सैवन एक्स प्लस ट्वेल्व तो अपना आंसर कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस सैवन एक्स प्लस ट्वेल्व। देखो ऑप्शन केड़ा आंसर आ जी ये बी ऑप्शन क्लीयर हो गया जी। नैक्सट देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद की घात किन्नी है वट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलीनोमियल। देखो केड़ी पोलीनोमियल बेटा जी क्यूबिक ठीक है डिग्री की होंगी है घात की होंगी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स किन्नी अपने को थ्री इट मीनस यदि घात डिग्री किन्नी आ गई जी अपने को थ्री। नैक्सट देखो जेकर एक दो घाती बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट फाइव प्लस ए एक्स प्लस टेन दे सिफर टू अते फाइव हैं तो ए का मुल है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर टू एंड फाइव दैन द वैल्यू ऑफ ए इज। देखो बेटा टू ते फाइव के ने अपने को सिफर अपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये वास्ते बेटा ए आ सम ऑफ जीरोज कर लो सम ऑफ जीरोज कितना बन गया टू प्लस फाइव ये सौखा तरीका है कितना बन गया अपने को सैवन। सम का फार्मूला की होंगे बेटा जी माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर मीनस माइनस एक्स का गुणाक बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक। हुण सम कितना जी अपने को सैवन कोफिशेंट ऑफ एक्स कितना अपने को माइनस फाइव प्लस ए एक बेटा अपने फार्मूले नाल माइनस आ हुण मैं इत्थे लिखता डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट किन्ना जी अपने को वन ए बन गया अपने को सैवन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गए फाइव प्लस ए ठीक है जी। सैवन माइनस फाइव इज इक्वल टू ए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने को टू सो अवर आंसर इज बी ऑप्शन ठीक है जी। नैक्सट देखो दिते गए बहुपद दे सिफरां दी गिनती होगी अपने बेटा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनिया ने पोलिनोमियल दियाँ पहला नू सॉल्व करांगे। देखो ए माइनस बी दे क्यूब दा की फार्मूला होंदा जी अपने कोल ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी दा स्क्र माइनस बी दा क्यूब ठीक है जी। ए दी थां ते आपां एक्स पुट करांगे बी दी थां ते आपां टू पुट करांगे इहनू सॉल्व करो एफ ऑफ एक्स अपने कोल आ गया एक्स दा क्यूब माइनस थ्री एक्स दा स्क्वायर बी किन्ना जी अपने कोल टू प्लस थ्री एक्स इंटू टू दा स्क्वायर ठीक है जी माइनस टू दा क्यूब लास्ट टर्म की अपने कोल माइनस एक्स दा क्यूब ए बन गया अपने कोल एक्स क्यूब थ्री ने टू ना किता सिक्स माइनस सिक्स एक्स दा स्क्वायर प्लस टू दा स्क्वायर फोर फोर नू थ्री ना किता ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स टू दा क्यूब किन्ना होंदा बेटा जी एट लास्ट टर्म माइनस एक्स दा क्यूब ए कैंसल आउट हो गया। हुण देखो जो टर्म अपने कोल बची है इस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स किन्नी अपने कोल टू इट मीनस नंबर ऑफ जीरोस किन्नियां होणगे बेटा जी टू क्लीयर हो गया जी। तो अपना आंसर किन्ना आ गया बी ऑप्शन। नैक्सट समीकरण का डैश हल होगा इनू किमें सॉल्व करांगे हैव सोल्यूशनस बेटा रेशो फाइंड आउट करो ए वन बाय ए टू ए वन कि थ्री ए टू कि अपने को फाइव एक्स के कोफिशेंट हो गए उस तो बाद बी वन बाय बी टू वाई के कोफिशेंट कि अपने को माइनस वन इधर वाई का कोफिशेंट कि अपने को माइनस दे सैवन ठीक है कि आ गया वन बाय सैवन
सिमिलरली सी वन बाय सी टू, सी वन इज 12, सी टू इज 3, ठीक है। ये कितना बन गया अपने को 4/1। ये देखो बेटा जी, ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, तो इट मीन समीकरणों के किन्ने हल होंगे जी, एक हल होगा, ठीक है जी। इट हैव यूनीक सोल्यूशनस, तो अपना आंसर की आ गया जी, बी ऑप्शन। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट देखो, जे किसी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़ कि अपने को 9, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। जेकर इस संख्या विच 27 जोड़िया जाए तो इसके अंक आपस में स्थान बदल लेंगे। मीनस इफ 27 इज एडड टू इट द डिजिट्स ऑफ नंबर गैट रिवर्सड। वन ऑफ द इक्वेशन फॉर द सिचुएशन विल बी, अपने बेटा दसना भी कि इक्वेशन यदि हो सकती है। थोड़ा दोनों इक्वेशन मैं तैयार करके दस दी हाँ बेटा। जब मान लेंगे चलो, लैट एक यूनिट प्लेस डिजिट मान लो, एक टेंथ प्लेस। चलो मैंने यूनिट प्लेस डिजिट मान लिया, कि मान लिया जी एक्स इकाई का अंक, टेंथ प्लेस दहाई का अंक कि मान लिया मैंने वाई। फिर मेरे को नंबर संख्या कि बन जूगी, 10 इंटू वाई दहाई के अंक में बेटा 10 नाल गुणा करांगे, उस इकाई का अंक आप जोड़ांगे, कि बन गया अपने को 10y प्लस एक्स। फिर जब आप रिवर्स कर दिए बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, फिर अपने को नंबर कितना बन जूगा बेटा जी, इन्हें उल्टा कर दो, मीन यूनिट प्लेस वाला टेंथ प्लेस वाला बन जूगा, टेंथ प्लेस वाला यूनिट प्लेस वाला बन जूगा। तो अपने को नंबर कितना बन गया जी, 10x प्लस वाई, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन की अपने को सम ऑफ डिजिट्स मीनस एक्स प्लस वाई कि बराबर आ जी अपने को 9 दे। एक इक्वेशन थोड़ी ए बन गई। सैकेंड वन इज की आ, इफ देखो एक संख्या के 27 जोड़िया जाए, ठीक है, अपने 10y प्लस एक्स पहले वाले नंबर 27 जोड़ता तो अपने को डिजिट्स का ऑर्डर की हो गया रिवर्स, ये कि बराबर बन जूगा 10x प्लस वाई दे। हुण बेटा इकट्ठे कर लो, 27 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10y इधर आके माइनस दे बन गए, एक्स इधर आके माइनस दे, ये बन गया 27 इज इक्वल टू 10x टू एक्स गए बेटा जी 9x, वाई माइनस 10y माइनस दे 9y, ठीक है जी। 27 इज इक्वल टू 9 दोनों चो कॉमन कर लो, कि आ गया एक्स माइनस वाई, 9 27 कट गया बेटा जी, कि आ गया 3। दो इक्वेशन बन गई, एक हैगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सैकेंड हैगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। देखो ऑप्शन दे विच केड़ी इक्वेशन अपन गिवन आ, केड़ी गिवन आ जी, ए ऑप्शन। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट वन, जदों दो रेखी समीकरणों के जोड़े का आलेख आपस में कटन तो समीकरण होनगियां। इफ ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसैक्ट दैन दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी, देखो जो दो लाइनस ने आपस कट दियां ने ग्राफ के उपर तो किन्ने की हल होंगे बेटा जी, वो कंसिस्टेंट, ठीक है जी, संगत हल। इट्स आंसर इज बी ऑप्शन। नैक्सट वन, समीकरण एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई इज इक्वल टू 5 दे हल होंगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, देखो एक्स इज इक्वल टू 5 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 तक ड्रा कर ले बेटा मैंने, इस वन एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है जी। एक्स इज इक्वल टू की अपने को 6, दिस वन एक्स इज इक्वल टू 6, वाई कि अपने को 5, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स दिस वन एक्स वाई कि जी अपने को 5, दोनों एक पॉइंट कट दी ने, तो यह पॉइंट केड़ा होगा जी, एक्स 6 वाई 5, तो किन्ने हल होंगे, दे एक हल होगा बिकॉज दे आर इंटरसैक्टिंग एट वन पॉइंट, सो आवर आंसर इज बी ऑप्शन। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट वन, समीकरण के हल होंगे इक्वेशंस विल हैव, आप दसना बेटा इन्हें कहो जे हल होंगे, सेम उदे ही रेशोस फाइंड आउट करो, ए वन बाय ए टू कोफिशंट ऑफ एक्स 3
बाय टू। सिमिलरली बी वन बाय बी टू कोफिशेंट्स ऑफ वाई किन्ना अपने कोल माइनस फाइव इतने किन्ना जी अपने कोल थ्री। सिमिलरली सी वन बाय सी टू किन्ना जी अपने कोल फाइव कॉन्सटेंट टर्म बाय फोर। इच देखो फस्ट टू आर नॉट इक्वल मीनस ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू। तो किन्ने हल होणगे जी एक हल। ठीक है यूनीक सोल्यूशनस देखो केड़ा आंसर आऊगा जी अपने कोल सी ऑप्शन। ठीक है जी नैक्सट देखो चक्कर की स्पर्श रेखा इसनों डैश बिंदुओं से कटती है। टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल इंटरसैक्ट इट एट डैश पॉइंट। देखो जिमें दिस वन सर्कल दिस इज ए टेंजेंट लाइन किन्ने पॉइंट कट कर दी बेटा टच कर दी है वन पॉइंट से। सो ओवर आंसर इज ए ऑप्शन। नैक्सट चित्र विच जेकर आर ते क्यू स्पर्श बिंदु हैं मीनस आर ते क्यू स्पर्श बिंदु हैं टेंजेंट पॉइंट्स ने तो दसना आपां तां केड़ा सही है। विच ऑफ द फॉलोविंग इज इंग्लिश बेटा फॉल्स लिखा होया पंजाबी च सही लिखा होया। चलो आपां ऑप्शन दे अकॉर्डिंग चैक करते हैं। फस्ट कह रहा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दिस ऑप्शन इज राइट। पी क्यू ओ दिस वन एंगल इज इक्वल टू 90 ये भी बेटा ठीक है बिकॉज टेंजेंट ते रेडियस जो एंगल होंगे आपस के बीच किन्ने का होंगे 90 का। नैक्सट है पी क्यू ओ पी क्यू ओ ट्रैंगल है बेटा जी इज कोंगुरेंट टू पी आर क्यू दिस वन ये भी ऑप्शन सही है बेटा बिकॉज ये कॉमन साइड बन जाती है। ठीक है जी अपने कोल हैगी ओ पी ये कॉमन साइड बन जाती है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर क्योंकि बाहरले बिंदु तो टेंजेंट लाइन जो ड्रा कीतियां होंदिया ने उन्हें लेंथ की होंदी है इक्वल। ठीक है जी तो ओ क्यू कि बराबर होगा ओ आर दे ये दोनों की ने सेम चक्कर दे की ने रेडियाई इट मीनस दोनों ट्रैंगल्स की होंगे ने कोंगुरेंट बाय एस एस एस। ठीक है जी इट मीनस ए ऑप्शन भी सही है। लास्ट है पी क्यू इज ग्रेटर दैन पी ओ ए ऑप्शन बेटा रोंग आ बिकॉज जिहड़ा दिस वन एंगल की है 90 के सामने की अपने कोल ओ पी साइड तो ओ पी साइड की बन जाती है हाइपोटन्यूज मीनस करन जिहड़ा करन हुंदा बेटा हाइपोटन्यूज आ वो सब तो लोंगेस्ट साइड आ। ठीक है इट मीन जिहड़ा ओ पी आ ये ग्रेटर हुंदा आ पी क्यू नालों ये कह रहा उल्टा भी पी क्यू ग्रेटर आ इट मीनस ए ऑप्शन की है बेटा जी रोंग इट मीनस बेटा पंजाबी वाली स्टेटमेंट गलत है इतने होना से भी केड़ा कथन गलत है केड़ा गलत है जी डी ऑप्शन इनू सही कर लेना बेटा इतने की होगा केड़ा जिहड़ा कथन आ वो गलत है इट्स आंसर इज डी। नैक्सट देखो चक्कर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु ते चक्कर के अर्ध व्यास नाल किन्ने डिग्री का कोण बनाउंदी है। वट इज़ द मैजर ऑफ एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द रेडियस ऑफ टेंजेंट पॉइंट। देखो दिस वन आप हमने करके हटे हाँ जी किन्ने का एंगल होंगे यह 90 का। सो इट्स आंसर इज डी ऑप्शन। नैक्सट वन एक बिंदु पी तो चक्कर ते स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर अते पी दी केंद्र तो दूरी 13 सेंटीमीटर है चक्कर का अर्ध व्यास है। फ्रॉम ए पॉइंट पी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। देखो बेटा मान लो एक पॉइंट पी या कोई नाल दी मैं ड्रा कर दी हाँ फ्रॉम ए पॉइंट पी लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस वन किन्नी अपने कोल 12 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल मान लो आ के बेटा जी सेंटर दिस वन किन्नी अपने कोल 13 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल दिस वन इन आप क्यों मान लें ये अपने फाइंड आउट करना है। कितना करांगे जी अपन पता रेडियस मीनस अर्ध व्यास का टेंजेंट लाइन्स मीनस स्पर्श रेखा नाल बनया कौन किन्ने का होंगे जी 90 का। एक नूं आपां पी मान लाँगे परपेंडिकुलर इनू बेस मान लाँगे बेटा जी पी ते बेस नूं तुसीं आपस इंटरचेंज कर सकते हो पर हाइपोटेन्यूज तुहाडा हमेशा यही रहेगा 90 के सामने वाली साइड वाला। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच किन्ना 13 का स्क्वायर P
पी कितना बेटा आप फाइंड आउट करना मीनस ओ क्यू का स्क्योर तो बेस किन्ना जी अपने कोल 12 ठीक है 12 का स्क्योर 13 टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया कि आ गया 169 12 टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया कि आ गया 144 वो इधर आके बेटा जी माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्योर 169 144 गई कि आ गया जी अपने को 25 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्योर 25 कि स्क्योर आ जी 5 का 5 स्क्योर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्योर हूँ देखो पावर सेम ने बेस की होगी इक्वल इट मीनस ओ क्यू थोड़ा कि आ गया जी 5 सेंटीमीटर ठीक है जी एंड द रेडियस ऑफ सर्कल कि आ गया अपने को 5 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया जी सी ऑप्शन ठीक है जी नैक्सट देखो वाई धुरे ते स्थित किसी बिंदु का भुज किन्ना होगा एबसीसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ठीक है एबसीसा भुज किनू बोलते हैं आप वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है एक्स का मुल किन्ना होंगे वाई एक्सिस के उपर बेटा भुज मतलब एक्स की वैल्यू किन्नी होंगी हमेशा 0 तो एक्स एक्सिस के उपर मीनस ऑर्डिनेट कोटि वो उपर वाई की वैल्यू की होंगी है बेटा जी 0 तो हम देखो अपने भुज पूछे वाई धुरे उपर तो कि आंसर आओ जी अपने कोल कि वैल्यू होंगी है 0 मीनस ए ऑप्शन क्लीयर हो गए बेटा थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो नैक्सट क्वेश्चन आप नैक्सट वीडियो हल करांगे थैंक्स बेटा जी